मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम का रियल खलनायक, क्या खलनायक 2 में होगी ट्रू स्टोरी? संजय दत्त के अलावा कौन से एक्टर्स के नाम जुड़े हैं आज तक अंडरवर्ल्ड से? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ खलनायक 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के बारे में, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन है रियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा खलनायक और किस डॉन पर बनने वाली है खलनायक 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1992 में आई खलनायक से संजय दत्त को खलनायक का टाइटल मिला, लेकिन अगर हम इंडिया के सबसे बड़े और रियल खलनायक यानी कि नंबर 1 गैंगस्टर या माफिया की बात करें तो वो है दाऊद इब्राहिम। इंडिया में रहते हुए हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक बार तो इस माफिया डॉन का नाम सुना ही होगा। दाऊद सबसे बड़ी गैंगस्टर कंपनी टी कंपनी का फाउंडर है और दुनिया के मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में इसका नाम तीसरे रैंक पर है, और इसका ओसामा बिन लादेन के साथ क्लोज कनेक्शन था। इसका नाम 1993 और 2008 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में शामिल है। दाऊद इब्राहिम पर कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी बनी है और इसका कनेक्शन बाकी के डॉन्स के साथ भी है। दाऊद के बाद दूसरा नाम है अबू सलेम। इस डॉन ने बॉलीवुड के कई सेलेब्स को परेशान किया है, और 1993 में संजय को जो वेपन सप्लाई किए गए थे वो इसी ने किए थे। इसके अलावा अबू दाऊद का लेफ्ट मैन है और इसने मनीषा कोइराला के असिस्टेंट को मार दिया था। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार पर भी जानलेवा हमला किया गया था। इनके अलावा आमिर खान, राकेश रोशन और आशुतोष को भी धमकियां दी गई थी, और कई एक्टर्स को डायरेक्टर से पैसे भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं। इसके बाद है छोटा राजन, जो पहले दाऊद का आदमी हुआ करता था, लेकिन जब से वो इंडिया से भागा है तब से दाऊद और छोटा राजन दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और फिल्म की फंडिंग के लिए छोटा राजन जाना जाता है। इसके बाद है रवि पुजारी। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने कई बॉलीवुड एक्टर्स को मारना चाहा। पहले रवि छोटा राजन का आदमी हुआ करता था और इसने शाहरुख खान, करण जौहर, फराह खान और महेश भट्ट पर जानलेवा हमला किया है और उनको धमकियाँ दी हैं। शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर मूवी के दौरान इसका नाम शाहरुख से जोड़ा गया था, उन्होंने इसकी मदद ली थी। इस लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम है करीम लाला, जो मुंबई का ओरिजिनल डॉन है, जो द इंडिया माफिया ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर भी है, और इसने भी मर्डर, एक्सटॉर्शन, लिकर का बिजनेस, गैम्बलिंग, ज्वेलरी की स्मगलिंग जैसे क्राइम्स किए थे। खलनायक 2 बनने वाली है, और अगर खलनायक 2 की कहानी इनमें से किसी एक माफिया डॉन पर बेस्ड होती है तो वो होगा दाऊद इब्राहिम, क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका कनेक्शन लगभग सभी अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ है और इसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस भी है। इंडिया के टॉप माफिया दाऊद पर खलनायक बनती है तो हमें दाऊद का क्रिमिनल बनना, उसका छोटा राजन, अबू सलेम और ओसामा बिन लादेन के साथ कनेक्शन, बॉलीवुड के एक्टर्स को परेशान करने की वजह, मूवी फंडिंग के पीछे की वजह और दाऊद के पीछे नेशनल और इंटरनेशनल पुलिस का होना, ये सारे इवेंट्स दिखाए जाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर ये कहानी बनती है तो ये ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी होगी। क्या आपके हिसाब से ऐसी मूवी बननी चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।